हेलो गाइस, आज हम कंपैरिजन करेंगे रेडमी नोट 7 प्रो को रेडमी नोट 8 के साथ, क्योंकि काफ़ी अग्रेसिव प्राइस में दोनों ही लॉन्च हुए हैं। लेकिन जो रेडमी नोट 7 प्रो की अब प्राइस डाउन हो चुकी है, जिसकी प्राइस है 11,999 अब के टाइम, और जो कि रेडमी नोट 8 की प्राइस रखी गई 9,999 4GB 64GB के साथ। इन दोनों कंपेयर करेंगे, स्पीड टेस्ट, बैटरी, सब कुछ कंपेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ऐसे मोबाइल के कंपेरिजन देखने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्प्ले और कंपेयर रेडमी नोट 7 प्रो को रेडमी नोट है। तो डिस्प्ले में क्लियर विनर कहूँगा रेडमी नोट है, क्योंकि रेडमी नोट 7 प्रो में आपको देखने को मिला है 6.3 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिला है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 81.14% की स्क्रीन बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाती है। और वहीं मैं बात करूँ Redmi Note 8 की, तो वहाँ पे मिल जाते हैं 6.3 इंच की फुल एच डी वाटर ड्रॉप नोच वाले डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 90% के आसपास देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर Redmi Note 8 क्लियर विनर है डिस्प्ले के मामले में। वहीं मैं बात कर लूँ उसके मोबाइल की कैमरा की, तो Redmi Note 7 Pro में आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा सोनी का सेंसर का यूज़ किया, 1.79 अपर्चर पर, और 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। कर लो Redmi Note 8 में, तो यहाँ पे क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर का यूज किया गया है, और दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा कैमरा डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का, चौथा कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको मिल जाता है इसमें भी 13 मेगापिक्सल का था। तो कैमरे के मामले में Redmi Note 8 काफ़ी बेटर है, यहाँ पर क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो Redmi Note 8 कैमरा के मामले में भी क्लियर विनर है। कैमरा को लेकर क्लियर बना रेडमी नोट है, और इसमें काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल का फीचर देखने को मिलता है, माइक्रो लेंस का फीचर मिलता है, और बहुत सारे एडिशनल फीचर इस कैमरे के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बात करूँ मैं इसकी बैटरी को लेकर और चार्जर को लेकर, तो यहाँ पे Redmi Note 8 वापस से क्लियर विनर है, क्योंकि Redmi Note 7 Pro में आपको मिल जाता है 4000 mAh की बैटरी और USB टाइप सी देखने को मिल जाता है, लेकिन बॉक्स में आपको 10 वोल्ट का ही चार्जर देखने को मिल जाता है। Redmi Note 8 की बात कर लीजिए तो वहाँ पर 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, USB टाइप सी देखने को मिल जाता है, लेकिन बॉक्स के अंदर 18 वोल्ट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स दिया जाता है, जिससे अपने मोबाइल को काफ़ी जल्दी चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर विनर निकल रहा है Redmi Note 8 बैटरी और चार्जर के मुकाबले भी। प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर Redmi Note 7 Pro काफ़ी आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर Redmi Note 7 Pro में आपको देखने को मिला है स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर, जो कि 11nm की टेक्नोलॉजी पर बना है, जो कि 2 GHz की स्पोर्ट क्लॉक आपको देखने को मिल जाती है। अंतत स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1,80,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाती है। जीपीयू की बात करें तो इसमें आपको 6 1 12 की जीपीयू देखने को मिल जाती है, जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस आपका काफ़ी स्मूथ बना देती है। और ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का सबसे काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। Redmi Note 8 की बात की जाए तो वहाँ पे आपको 665 का देखने को मिल जाता है, हालांकि ये भी लेटेस्ट है, लेकिन इसके अंदर आपको 2 GHz पे क्लॉक होगा, 11nm टेक्नोलॉजी बना होगा। GPU की बात करें तो 610 की आपको GPU देखने को मिल जाएगी, अंततः स्कोर 1.5 लाख के आसपास निकल के आए। तो प्रोसेसर के मामले में Redmi Note 7 Pro विनर है। इन दोनों के मोबाइल के स्लॉट की बात की जाए तो Redmi Note 7 Pro में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है, जबकि Redmi Note 8 में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। Redmi Note 8 में 2 सिम एक मेमोरी कार्ड लगाया जा सकता है, लेकिन Redmi Note 7 Pro में एक सिम या एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो या दोनों सिम लगा सकते हो। तो यहाँ पर Redmi Note 8 भी विनर है। OS की बात की तो दोनों मोबाइल एक ही कंपनी के हैं, तो OS तो वही होगा, MIUI पे रन करेगा, जो कि एंड्रॉयड पाई पे बेस होगा। अपने ओपिनियन की बात करूँ तो इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए, तो Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 8 की बात करें तो Redmi Note 8 Pro आप Note 8 को बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, 4 कैमरा देखने को मिल जाते हैं, 18 वोल्ट का चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है, डेडिकेट सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, लेकिन Redmi Note 7 Pro में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। बस इसके अंदर आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर है, और कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। आप बस अगर Redmi Note 7 Pro देखने को लेते हो तो यहाँ पर 4 कैमरे हट जाएंगे आपके, 18 वोल्ट का चार्जर नहीं मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलेगा, तो ये कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर Redmi Note 8 को आप ऑफकोर्स बाय कर सकते हैं, अगर आप PUBG ज़्यादा खेलते हैं तो Redmi Note 7 Pro को बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे को यही कंपेयर करके बताना था कि कौन सा आपको बाय करना चाहिए। बस Redmi Note 7 Pro में आपको प्रोसेसर बेटर देखने को मिल जाता है और कई चीज़ें इसमें आपको नहीं देखने को मिलती, तो आप देख लीजिए कौन सा बाय करना। मैं आपको प्रेफर करूँगा Redmi Note 8 को, क्योंकि Redmi Note 7 Pro का सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया गया अभी तक, और पता नहीं फ्यूचर में किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।